आंदोलन 2 तारीख से शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि सरदार भगत सिंह शहीद आजम उनके साथी कैसे रहे होंगे, क्योंकि मेरे आज भी याद है कि मेरे चेहरे की खाल जो है वो उतरने लगी थी, स्किन जो है, और मेरे पैर हाथ जो है बहुत वो वीक हो गए थे, मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था और बदन से मेरे खाल उतर रही थी और मेरा जो क्रिएटिनिन है वो बहुत डाउन चला गया था। तो मैंने एक पत्र लिखा इच्छा मृत्यु का महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, जो बातें मैंने आपसे पहले बताई कि सरकार भी चाहती है अब मर जाओ और आप भी चाह रहे हो अब मर जाओ तो सरकार का फायदा होगा, सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहा है वो एक कम हो जाएगा, सरकार तो चाहती है ऐसा ही है और सरकार पे दोष भी नहीं जाएगा। हजारों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई कहता चंद्रशेखर की हत्या कर देंगे, कोई कहता उसको घुसने कैसे दिया। बहुत सारे लोग विदेश में रहने वाले लोग भी जानना चाहते हैं कि आज भी भारत में इस तरह का भेदभाव, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें एक नौजवान की गलती सिर्फ यह है कि वो मूछें रख लेता है या फिर वो अच्छे कपड़े पहनता है या फिर वो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। तो पाली में भाई जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या हुई और मैं खुद वहाँ गया था, पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ जो लोग जिन लोगों ने हत्या की थी उनको उठाया, हमारी कुछ मांगे भी थी। समाज में बड़ा आक्रोश है क्योंकि जितेंद्र मेघवाल भाई जो हैं वो बड़े मिलनसार थे, तमाम लोगों में उनका सम्मान था, प्यार करते थे लोग उनसे। तो आज के लाइव में विशेष क्या है? पहली बात विशेष ये है कि जो मांगे थी वो नहीं मानी गई हैं, जो समाज ने मांगों की अपील की थी उनको हमें शायद कमज़ोर रख के उन मांगों को अस्वीकार किया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे हमारी मांग थी कि परिवार को मुआवजा दिया जाए प्लस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं कि वो किसी की हत्या कर दे। और फिर सरकार यही है कि सरकार काम होता है कि पीड़ितों की सुनवाई करें। तो आंदोलन इंतजार करके सरकार के आंदोलन तय किया गया। आंदोलन 2 तारीख से शुरू होगा। एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि राजस्थान के साथी भी जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं 2 तारीख से आंदोलन शुरू होगा साथियों, मैं 3 तारीख में आऊँगा। किन्हीं कारणों से मैं 2 तारीख में नहीं आ पा रहा हूँ, मैं 3 तारीख में सुबह वहाँ पहुँचूँगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि 2 तारीख को आप आंदोलन शुरू कर दें। और ये आंदोलन ऐसा नहीं है, अब हमने तय किया है कि अगर हम अपने परिवार को न्याय नहीं दिला पाए तो हमारे संघर्ष करने कोई फायदा नहीं, तो हम लोग आके वहीं बैठेंगे। जिला मुख्यालय पे ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। 2 तारीख इसलिए तय की गई, रखा जाता तो ये 3 तारीख में, क्योंकि 2 अप्रैल एक ऐसा बड़ा दिन है, 2 अप्रैल 2018 को SST एक्ट को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था देश में। और बहुजन समाज के जो नौजवान है जो गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, जिन लोगों ने गुलामी को नकार दिया है, जो लोग स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं और जो अधिकारों के साथ जीना चाहते हैं, अधिकारों से वंचित होकर नहीं, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और लगभग 17 से 18 नौजवान साथियों की जान गई, बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, छत्तीसगढ़, ऐसा आंदोलन जो ना किसने देखा था ना सुना था। पहली बार शोषित वर्ग ने बताया कि वो अपने दम पे इस देश में भारत बंद बुला के बंद भी कर सकता है। और ये जो मनुवादी लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आया, उन्होंने उस आंदोलन में हिंसा करा दी, क्योंकि हम तो मजबूर होकर निकले थे घरों से, बहुजन समाज के लोग तो मजबूर होकर निकले थे घरों से, खुशी से नहीं निकले थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इतना बड़ा आंदोलन था कि पहली बार ये तानाशाही केंद्र सरकार झुकी, सबसे पहले अगर कभी झुकी थी तो उसी आंदोलन पर झुकी थी। मैं जेल में था, राशु का मेरे ऊपर लगी हुई थी, और जब मैंने देखा कि निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लगा लगा उनको जेल भेजा जा रहा है, तो मैंने ये समझा कि जेल से मैं कर क्या सकता हूँ,
बेबस आदमी क्या कर सकता जेल के अंदर से। तो मैंने एक पत्र लिखा इच्छा मृत्यु का महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। फिर मेरे साथियों ने मुझे समझाया कि नहीं, वो भी चाहते हैं कि आप लोग मर जाएं और आप भी चाहते हैं कि मर जाएं, तो ठीक है उनका तो कांटा निकल जाएगा। तो इच्छा मृत्यु से कुछ नहीं होगा, आप लड़िए, जेल से भी लड़ना चाहते हैं तो भगत सिंह के तरीके से लड़िए। तो मैंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की और 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मैं भूख हड़ताल पर रहा। लेकिन सरकार और सिस्टम के लोग कहते रहे कि वो तो खाना खा रहे हैं, तो तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, 3 सब्जी खा रहे हैं, 2 सब्जी। मैं अखबार का भी कोई पढ़ा करता था तो मुझे बड़ी हंसी आया करती किस तरह से किसी के संघर्ष का मजाक उड़ा जाता है। प्रशासन ने मेरी मुलाकात बंद कर दी। एक दिन माँ मिलने के लिए आई जेल और वो जूस लेके आई, तो मैंने मुलाकात बंद थी फिर भी मीडिया के लोग आए तो सरकार को लगा, मतलब प्रशासन को, कि अगर आज आमने सामने पे इनकी माँ नहीं जा पाएगी तो सवाल खड़ा होगा। तो माँ ही वो जूस और कुछ मिठाई लेके आई, तो मैंने उनको मना कर दिया कि देखिए माँ, अगर आज मैं ये मुझे कोई नहीं देख रहा जेल के अंदर कि मैं अपनी तन्हाई में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तन्हाई में रहता था अकेला 16 महीने। एक एक रात जब मैं सुबह होती थी तो मैं सोचता हूँ कि वो दिन आएगा जब मैं यहाँ से निकल के और इसलिए काम करूँगा किसी और के साथ ये अन्याय ना हो और अपने भाइयों को जागरूक करने का काम करूँगा। तो मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे कोई देखता नहीं है तन्हाई में, वहाँ मैं चाहूँ तो वहाँ भी पानी पी सकता हूँ, वहाँ भी खाना खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दिखावे के लिए सब बाहर आके ये करता हूँ और अंदर मतलब अंदर से छिपके कुछ खा पी लेता हूँ तो ये इससे मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, अपने जमीर को गवाही नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक चोर चोरी करता है तो वो सोचता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कुदरत उसको देख रही होती है, उसको खुद को पता होता है कि वो गलत क्या कर रहा है या सही कर रहा है। उसके दिल में आवाज़ होती है अगर कोई अपराध कर रहा है कि इस अपराध का कि सजा भी उसको मिलेगी, ये सही है गलत है, इसका किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं बार बार आँख पे इसलिए हाथ ले जा रहा हूँ, आँख पे कुछ मुझे दिक्कत हुई है। तो मगर मैं ये कह रहा था आपसे कि तो मैंने माँ को मना कर दिया और माँ ने बाहर जाके कहा कि वो नहीं मान रहा है किसी की। मैं समझता हूँ कि सरदार भगत सिंह शहीद आजम उनके साथ ही कैसे रहे होंगे, क्योंकि मेरे आज भी याद है कि मेरे चेहरे की खाल जो है वो उतरने लगी थी, स्किन जो है, और मेरे पैर हाथ जो है बहुत वो वीक हो गए थे, मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था और बदन से मेरे खाल उतर रही थी और मेरा जो क्रिएटिनिन है वो बहुत डाउन चला गया था। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पे मेरे बड़े भाई मेरे पास आए मिलने के लिए और उन्होंने मुझसे दो बातें शेयर की, जो बातें मैंने आपसे पहले बताई कि सरकार भी चाहती है आप मर जाओ और आप भी चाह रहे हो आप मर जाओ तो सरकार का फायदा होगा, सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहा है वो एक कम हो जाएगा, सरकार तो चाहती है ऐसा ही है और सरकार पे दोष भी नहीं जाएगा। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए जेल से बाहर आने का और फिर लड़िए। ये क्या बात हुई कि भाई आप यहीं जेल में रहते मरना चाहते हैं? तो मेरी वो बात समझ में आई अगर कोई समझाने वाला मिलता है, और मैंने स्वीकार किया कि भाई अभी लड़ाई जेल से बाहर जाकर लड़े और लड़ भी रहा हूँ मैं। तो इसलिए 2 अप्रैल एक बड़ा दिन है, एक बड़ा आंदोलन हुआ, इसलिए मैंने 2 अप्रैल से शुरुआत की है कि 2 अप्रैल से आंदोलन शुरू हो जाए। 3 तारीख को सुबह मैं आऊँगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 1 दिन हो 2 दिन हो 4 दिन हो 10 दिन हो, हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। और मैं आपसे भी, आपको भी कह रहा हूँ, राजस्थान के साथियों से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, बहुत हो गया है, अब नहीं। अब जो साथी आएगा वो जाएगा नहीं जब तक हमारी मांग पूरी थी। इस हिम्मत के साथ आना है साथी, भूखे प्यासे जैसे भी मिलेगा उसी सहारे रह के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप से आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हम वो पाली डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे, उस परिवार को हमने वादा किया न्याय दिलाने का। और एक कार्यकर्ता की, एक अंबेडकरवादी की, एक बहुजनवादी की, एक संघर्षशील व्यक्ति की पहचान होती है, अगर उसने कुछ कहा तो उसको निभाए। तो ये मेरा, ये मैंने तय किया है आप सब लोग सहयोग से, ये मेरे व्यक्तिगत बात है इसलिए मैं की बात कर रहा हूं। मैं जब वहां जाऊंगा तो हम अपनी बात करेंगे, लेकिन हम मैंने व्यक्तिगत तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी मैं वहां से नहीं हिलूंगा। और मैं अपने साथियों से भी अपील करता हूं कि वो 2 तारीख को आ जाए, लेकिन मैं 3 तारीख में आऊंगा और आंदोलन 3 तारीख से लगातार चलेगा। और ये अकेली मांग नहीं है, इसके साथ और भी मांगे हैं, जैसे 2 अप्रैल के मुकदमे वापसी,
और साथी प्रयास कर रहे हैं, हम भी इस पे वो करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, भाई हम आंदोलन कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। अभी आपने देखा नहीं क्या हुआ, भाई मुकेश वाल्मीकि जी हैं कैप्टन था, उनके बेटे के साथ जो मारपीट हुई है धौलपुर में विधायक द्वारा, और मैंने कल उनसे बात की, क्या नहीं बताया उन्होंने मुझे कितना अन्याय किया गया उस बच्चे के साथ। वो हमारे परिवार का बेटा, हमारा भाई है छोटा, उसके हाथ तोड़ दिए गए, उसके 10 की 10 उंगलियां तोड़ दी गई, उसकी टांग तोड़ दी गई, महापुरुषों के आशीर्वाद से बच गया, वो तो उसको मरा हुआ छोड़ के गए थे। ये अन्याय हो रहा है राजस्थान में, ये इसी सरकार के लोग ये अन्याय कर रहे हैं, और ये अन्याय नहीं सहेंगे हम लोग, किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूं और मेरे पास काम सारे हैं, मुझे सभी काम करने पड़ते हैं। तो मैंने 3 तारीख में मुझे आना है, मैंने 2 तारीख में 7 बजे का बड़ा दिन है, जैसे हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उस दिन भी 2 अप्रैल इतिहास में लिखा गया, दर्ज हो गया 2 अप्रैल, कोई भी मिटाने का प्रयास नहीं मिट सकता है। एक तरफ हमारे लिए शहीदी दिवस भी है, एक तरफ हमारे लिए वो शौर्य दिवस भी है, हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है और उन्होंने शौर्य गाथा लिखी है कि हम भारत को अपने बल से बंद कर सकते हैं, भारत बंद करके दिखा सकते हैं। ये है 2 अप्रैल, इसलिए 2 अप्रैल से आंदोलन शुरुआत होगी। और मेरी आपसे अपील है कि साथियों पहुंचना है, अगर आप इस गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, जो अन्याय पाली में हो रहा है जो मैंने आपको उस दिन बताया, और हम तो और मांगे हैं, हमारी अन्याय एट्रोसिटी तो होती रहेंगे, लेकिन ये तो बंद होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी शोषित वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग आगे कैसे बढ़े, उनको तरक्की के रास्ते कैसे मिलेंगे, इस पर भी बात करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को। भाई मुझे एक बात की जानकारी वहां लगी कि उस गांव में या उसके आसपास के गांव में अगर अन्याय हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मजबूरी में, आजाद भारत में 70 साल की आजादी होगी, मजबूरी में हमारे लोगों को ताकतवर लोगों के यहां काम करना पड़ता, क्योंकि एक जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। देखो भाई, भाइयों के साथ कुछ होता है तो एक बार को मैं थोड़ा सा ही सोच लेता हूं कि भाई अभी हमारे लोग ताकतवर नहीं, लेकिन बहनों का अपमान ये नहीं बर्दाश्त हो सकता है। हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा और हमारे महापुरुषों ने यही सिखाया है, और फिर उस जवानी का क्या फायदा जिस जवानी में आप अपने समाज के हितों की रक्षा, अपने देश के हितों की रक्षा, अपने देश की असल जो है ताकत उसको ना दिखा पाओ। मैं भी घटनाओं पर जाने पर ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन जब अन्याय हो और अन्याय की पराकाष्ठा लिखी जाए, अन्याय की पीड़ा इतनी हो कि आपका शरीर जो है खोल उठे दर्द से, आपका लहू उबाल मारने लगे, और अभी आपने देखा नहीं क्या हुआ, कल एक पंचायत होती है, हजारों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई कहता चंचेर की हत्या कर देंगे, कोई कहता उसको घुसने कैसे दिया, भाई आजाद भारत है, ये मेरा भी देश है, और हवा आजाद को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सर, ये मैं एक वकील भी अपने अधिकार में जानता हूं और लाखों लोगों का नेतृत्व करता हूं, जिसने अपराध किया अगर उसके पक्ष में कोई खड़ा होता तो वो भी अपराधी, और कीजिए पूरा, मैं तो कह रहा हूं आपको पूरे जोड़ लगाइए, बचा के दिखाइए उनको, उनको फांसी होगी, हम लोग लड़ेंगे। तो इसलिए क्योंकि मैं अपनी बहनों से, जितेंद्र मेघवाल की 4 बहनें, मैं उन जब 4 बहनों से मिला तो उनसे वादा करके कि रोना मत, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक आखिरी कतरा तब तक रोना मत मेरी बहनों, मेरा यह वादा है कि आपको न्याय मिलेगा। और न्याय सिर्फ जितेंद्र मेघवाल को न्याय के साथ साथ वो जो गुलामी सदियों से वहां चली उससे भी न्याय मिलेगा। इसलिए मैं 3 तारीख में आऊंगा, आपसे मेरा अनुरोध है 2 तारीख को आंदोलन शुरू कर दें और इस दमखम के साथ आए कि अब हम तभी लौटेंगे जब हमारी मांगे पूरी होंगी। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते, और छीनने के लिए बल तैयार करना पड़ता है, शक्ति से परिवर्तन होता है, तो शक्ति हमारे आंदोलन में है और हम अपने आंदोलन को, मैं 3 तारीख में पहुंचूंगा पाली जिला मुख्यालय, आपसे अनुरोध 2 तारीख में आंदोलन शुरू करें, मैं वहां की प्रदेश की टीम से, प्रभारियों से और साथियों से, बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर इस अन्याय से मुक्ति चाहते हैं तो अकेले अल्पजन बन के ना लड़िए, बहुजन बन के लड़िए, इकट्ठे होकर लड़िए कि यह अन्याय बंद। फिर उस बात को कोट कर रहा हूं,
जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कही, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। तो अधिकार मांगने से नहीं, लड़ना पड़ेगा, छीनने पड़ेंगे। इसलिए समझदारी से अपने आंदोलन को चलाना है, और अगर बलिदान देना पड़े आंदोलन में तो पीछे नहीं हटना है, वो चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो। क्योंकि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी घड़ी पहनते हैं, चश्मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आजाद नहीं हैं। आपको सिर्फ सांसों का लेना आजादी नहीं है, अगर आप अपनी तरह से नहीं जी सकते हैं, अपनी अपनी चीजों का जो आप चाहते हैं उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो ये गुलामी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद 3 तारीख में आपसे मुलाकात होगी पाली हेडक्वार्टर पे, और आंदोलन चलेगा, और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।